साथ साथ डायरेक्टर भी हैं और वो हमारे साथ स्टूडियोज में भी हैं। बहुत शुक्रिया राहुल एजाज, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा कि ये जो सबसे पहली बेसिक चीज तो यही है कि आइडिया कैसे आए, ये आपकी पहली फिल्म है, इससे पहले आप बना चुके हैं? इससे पहले मैंने अपने लिए चीजें बनाई हैं, थीसिस बनाया है और एक शॉर्ट फिल्म प्रैक्टिस के लिए कुछ बनाई थी। अच्छा, थी इससे दो साल पहले ईद की छुट्टियों में ही, और उसके बाद जो फर्स्ट मेरी प्रॉपर प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म है वो ये है। सर, कितना वक्त आपको दरकार था? गो के टाइम तो सिर्फ 20 मिनट है, लेकिन ऑफ कोर्स ऑन पेपर इट टेक्स टाइम, लेकिन उसके बाद एग्जीक्यूशन में इट टेक्स टाइम, तो कितना टाइम लगा? तकरीबन 6 महीने। हाँ, क्योंकि 1.5 महीना एक्चुअली इट्स इंस्पायर्ड बाय माय कजन हु डाइड ऑफ कैंसर लाइक 3 साल पहले। इज इट अ रियल स्टोरी? इट्स नॉट अ रियल स्टोरी, बट इट्स बेस्ड ऑन रियल कैरेक्टर्स बिटवीन मी एंड हिम। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम कजन्स, मैंने उनको भाई बना दिया। तो क्या आपने इसमें खुद भी एक्ट किया है? नहीं, अच्छा, खुद एक्ट नहीं। आई एम नॉट अ गुड एक्टर, नहीं, बट उसको वो एक्सपीरियंस प्रोसेस करते करते तकरीबन 1.5 साल लग गया, और 1.5 महीना फिल्म स्क्रिप्ट सोचने और तैयार करने में। एक दिन की शूट थी और उसके बाद 4 महीने बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक फिल्म में एडिट करते। आपकी नजर में अगर आप उसको देखें एज एन ऑब्जर्वर, एज ए क्रिटिक, क्या ऐसी चीज है जो स्टैंड आउट करती है जिसकी वजह से मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में इसको सेलेक्ट किया जा रहा है, चूज किया जा रहा है, क्या वजह? आई थिंक इट्स द कैरेक्टर्स और परफॉर्मेंस। अगर मेरे पास अच्छे एक्टर्स नहीं होते जो उस कैरेक्टर्स को समझ सकते तो ये शायद फिल्म इतनी सक्सेसफुल ना होती। सो सारा क्रेडिट एक्चुअली जाता है तारिक राजा और नादर हुसैन को। अच्छा राहुल, अगर देखा जाए तो अंदरूनी सिंह से हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जिनको हम फिल्म की सूरत में लोगों तक प्रेजेंट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। क्यों नहीं ऐसा हुआ कि, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये पहली ऐसी कोई सिंधी फिल्म है जिसको हम देख रहे हैं कि जो बैन अल-अक़वामी सतह पर जिसको जिसकी नुमाइश की जाएगी, इससे पहले इस पर काम क्यों नहीं किया गया, आपको क्या लगता है? बिकॉज किसी को परवाह नहीं है। आई मीन टेलीफिल्म्स बनती आ रही हैं, लेकिन वो वही है कि आप एक ही चीज को रिपीट करते आ रहे हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम जो सिर्फ सिंधी सिनेमा या सिंधी कल्चर और उसके जबान के लिमिटेड नहीं है। पंजाबी स्ट्रॉन्ग देखते हैं, हम पंजाबी मीडियम स्ट्रॉन्ग देखते हैं, हम पश्तो मीडियम इतना स्ट्रॉन्ग देखते हैं, बट सिंधी मीडियम इस हवाले से स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखते। बिकॉज हम लोग वही चीज रिपीट करते आ रहे हैं जो 1980s से ज्यादा से भी पहले हम लोग यू नो डकैत और वो वाली कहानियां, उससे बाहर अभी तक सीरियल मैं ये देखता हूँ, सिंधी सीरियल भी जो है उसी तरह के बन रहे होते हैं मोस्टली। हालांकि बड़े उसका एक मीडियम जो सिंधी मीडियम है उसके अंदर काफी लोग ना सिर्फ ये लिखे जाने के हवाले से बल्कि टीवी चैनल भी बहुत देखे जाते हैं, ड्रामे उनके बहुत देखे जाते हैं, लेकिन है वही चीज। अब आगे नहीं बढ़े 40 साल में, तो मेरा ये स्टेप, छोटा सा एक स्टेप यही था कि एक तो ये मेरी बहुत पर्सनल एक स्टोरी है जिसको मैं बनाना चाहता हूँ, ये मेरे कजन को ही मैंने डेडिकेट की, लेकिन वो सिंधी में बनाने का एक सबब ये भी था कि एक तो उसका सिंधी में, बिकॉज आई एम सिंधी, तो वो एसेंस उसका सही से निकल के आ रहा था, मुझे ट्रांसलेट करने में फिर वो इतना मसला नहीं हुआ स्क्रीन पे। दूसरा ये था कि सिंधी में कोई कुछ तो बनाए एटलीस्ट, ताकि एक यू नो आप एक बीज बो दें ताकि आगे कुछ इससे हो सके। आई जस्ट सेंटेड, मैंने भेज दी फेस्टिवल में, बिकॉज द थिंग इज अशरफ अबुल याजीद इज एन इजिप्शियन पोएट जिसकी 2 पोएम्स हैं जो इस फिल्म में इस्तेमाल हुई हुई हैं ट्रांसलेटेड इनटू सिंधी। अच्छा, या और ही वाज द वन जिन्होंने रिकमेंड किया कि दिस इज इस फेस्टिवल में आप भेजें, क्योंकि बड़ा फेस्टिवल है रशिया में, यू नो स्पेशली कंसर्निंग मुस्लिम सिनेमा, मुस्लिम फिल्म मेकर्स वहां से पूरी दुनिया से आते हैं। सो आई थिंक कोई 30-40 फिल्में इस फेस्टिवल में, उसमें से पाकिस्तान से सिर्फ एक ही है। अच्छा, अब जरा ये बताएं कि अब लाइक ये जो मूवी बन चुकी है, जाहिर है कि इसके अंदर आपको सक्सेस भी नजर आ रही है, तो अब नेक्स्ट आपका वेंचर क्या होगा? नेक्स्ट ये है कि एक सिंधी फीचर फिल्म बनाई जाए। ओके, वो दौरानिया ज्यादा होगा उसका? बिल्कुल कंप्लीट 1.5-2 घंटे की फिल्म जो सिनेमा में रिलीज कर सकूं मैं, उसकी स्क्रिप्ट भी मैंने लिख ली ऑलरेडी। अच्छा, सो वो है बिल्कुल सिंधी कल्चर के बारे में और यू नो शाब्दुल लतीफ की मिठाई की पोएट्री से इंस्पायर्ड। अच्छा राहुल, ये बताएगा अगर अपने हमसाए मुल्क में भी नजर देखें और बाकी ममालिक में भी जो फिल्म बनती है उस पर देखें, सो उसके प्लॉट जो उसकी स्टोरी लाइन होती है वो मोहब्बत के अलावा भी बहुत कुछ होती है उसमें, मतलब एक कॉन्स्टिपेशन में भी उन्होंने एक फिल्म बना दी है, लेकिन हम क्यों इतना कतराते हैं? हमारे ही हम ही लोग वो फिल्में देख लेते हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ कोई डिफरेंट चीज बने हम उस जॉनर की फिल्म क्यों नहीं देखते? बिकॉज हम अपने अपनी स्टोरीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दैट्स आई थिंक दैट्स द मेन प्रॉब्लम, कि आप खुद अपनी आइडेंटिटी को तो एक्सेप्ट करें पहले। आपकी स्टोरीज हैं हर जगह, मतलब मैं यहाँ से निकल के घर जाऊंगा 50 स्टोरीज मुझे रास्ते में नजर आएंगी, सही है मैं बना सकता हूँ उस पर फिल्म, लेकिन डू आई केयर? इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ से मिलेगी? मैं एक फिल्म लिख के तैयार करके बैठा हूँ, लेकिन आपको कोई फंड देने को नहीं मिला इसका? एक्चुअली ये भी बहुत अच्छी कहानी है कि
मैं जर्नलिस्ट भी रह चुका हूँ, मैं फोटोग्राफी भी रह चुका हूँ, मैं फिल्म क्रिटिक भी रह चुका हूँ काफी सालों से. और 2018 में आई क्विट माई जॉब और फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे फिल्म बनानी है, बिकॉज ये मैंने पढ़ा है यही मुझे करना है बेसिकली. गोयते इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की एक फिल्म फेलोशिप आई हुई थी, फिल्म टैलेंट्स अनहर्ड वॉइसेस फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. 15 फिल्म मेकर्स टोटल दो मुल्कों से सिलेक्ट हुए थे, उनमें से एक मैं भी था. सो दे एक्चुअली फंडेड माय शॉर्ट फिल्म्स थ्रू जर्मनी एंड ऑल ऑफ दैट. चलिए बेस्ट ऑफ लक राहुल, इट वॉज नाइस सीइंग यू. और अल्लाह करे जनाब आपकी फिल्म जो है ट्रेन क्रॉस द डेजर्ट ये जनाब झंडे गाड़े कामयाबी कामयाब है.